Inside Gear. Welcome back to another amazing video, guys. मैं हूं निशित और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में बात आपकी जान पर भी आ सकती है। इससे पहले मैंने कभी आप पर ज्यादा जोर नहीं डाला है कि किसी भी वीडियो को पूरा देखें, लेकिन आप अगर मारुति ओनर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कंपनी है ग्लोबल एन कैप जो कि सभी देशी और विदेशी गाड़ियों के क्रैश टेस्ट करती है। उसने कल 3-4 गाड़ियों के क्रैश टेस्ट किए, उसमें 2 जो गाड़ियां हैं वो मारुति की हैं और 2 गाड़ियां हैं, एक फोक्सवैगन की है और साथ ही एक स्कोडा कंपनी की है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो मारुति की गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां जिनका क्रैश टेस्ट किया गया है वो है अल्टो और वैगनार, और जो रिजल्ट इनके क्रैश टेस्ट के बाद देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, बहुत ही हैरतअंगेज करने वाले हैं। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि किसी क्रैश टेस्ट में किसी गाड़ी को इतने नंबर में मिल सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे आपकी सुरक्षा की है, रोड पर चलने की है, तो आपकी जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो प्रायोरिटी हो जाती है। हर कंपनी जो है दावा करती है कि उसने बड़ी सेफ कार बनाई है। तमाम कंपनियां जो इंडिया में हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, वो सभी ये दावा कर रही हैं कि उनकी कार जो है वो सबसे सेफ है। इसी को टेस्ट करने के लिए कंपनी है ग्लोबल एन कैप जो कि सभी कारों के अलग अलग समय पर क्रैश टेस्ट भी करती है। तो जो नए क्रैश टेस्ट के रिजल्ट आए हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मारुति सुजुकी वैगनार की। वैगनार का क्रैश टेस्ट का जो रिजल्ट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एडल्ट क्लास में इस गाड़ी को 5 में से सिर्फ इकलौता एक सिंगल स्टार मिला है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी सुरक्षा की परवाह जो है वो मारुति कंपनी को कितनी है। मैं खुद एक मारुति ओनर हूँ और मेरे को भी ये क्रैश टेस्ट देख के बड़ा ही बुरा लग रहा है। मेरे पास भी वैगनार है। एडल्ट क्लास में मारुति वैगनार की सेफ्टी रेटिंग 5 में से सिंगल पॉइंट की है, यानी 1 पॉइंट की है। और चिल्ड्रन क्लास की बात करें तो बच्चों के लिए 5 में से इसको बिल्कुल 0 नंबर दिए गए। मारुति की जो गाड़ियां हैं उनकी टफनेस पर, उनकी स्ट्रांगनेस पर जो सवाल है वो लगातार सोशल मीडिया पे लोग उठाते रहे हैं। जब कभी कोई गाड़ी का रिव्यू कोई करने जाता है तो ज़रूर मारुति के जो चादर है गाड़ी की, चाहे वो बोनेट की हो या फेंडर की हो, उसको दबा के ज़रूर दिखाता है कि भाई ये मारुति की गाड़ी की टफनेस है और स्ट्रांगनेस है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मारुति की जो गाड़ियाँ हैं, जो भी मारुति ओनर है उनको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बुरा भी लग सकता है और कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी की भी फिक्र हो सकती है। वीडियो लगातार अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो क्रैश टेस्ट के वीडियो हैं वो मैं यहाँ पे ग्लोबल एन कैप ने जो किया है उसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो गाड़ी के जो परखच्चे उड़े हैं, कई एंगल से इसको शूट किया गया है और अंदर से भी शूट किया गया है कि जब आप अंदर बैठेंगे और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो अंदर के लोगों की हालत किस तरह रहेगी, वो भी यहाँ पे तमाम जो अलग अलग कैमरे हैं उन सबसे शूट किया गया है। बात कर लेते हैं मारुति की अगली गाड़ी की, और वो है मारुति सुजुकी अल्टो। अल्टो की अगर बात करें तो अल्टो एक फैमिली कार है, एक बजट कार है। इसको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खरीदा गया है लोगों के द्वारा और हर घर में लगभग पहली गाड़ी जो है लोगों की वो मारुति सुजुकी अल्टो ही रही है। अल्टो की सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे अल्टो को एडल्ट क्लास में सिर्फ 5 में से 2 पॉइंट मिले हैं, और वहीं चिल्ड्रन क्लास की बात करें तो यहाँ भी इसका हाल वैगनार के जैसा ही है, इसको भी 5 में से 0 पॉइंट यहाँ पे चिल्ड्रन क्लास में मिले हैं। तो मारुति की जो 2 गाड़ियाँ हैं वो टफ लेवल पर, स्ट्रांगनेस के लेवल पर यहाँ पे पूरी तरह फेल हो गई हैं। तो मारुति जो बायर्स हैं, मारुति जो लवर है, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है कि मारुति की जो गाड़ियां हैं वो क्रैश टेस्ट पास नहीं कर पाई हैं। और क्रैश टेस्ट तो दूर की बात है, बात सारी यहां पर आपकी सुरक्षा की है, आपकी जान की है। इंडिया में आंकड़ों की अगर बात करें तो आए दिन रोड एक्सीडेंट होते हैं और पिछले दिनों भी काफ़ी सारे बड़े रोड एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। टाटा कंपनी के चेयरमैन की जान भी रोड एक्सीडेंट में गई थी, हालांकि वो अपनी मर्सिडीज कार में थे, तब भी उनकी जान चली गई थी। उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर काफ़ी जो बहस है हर तरफ छिड़ गई। तो ये मारुति की 2 गाड़ियां जिनका क्रैश टेस्ट हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब अगली गाड़ियों की तरफ चलते हैं, और अगली जो गाड़ियां हैं वो सिडान सेगमेंट की हैं, एक ही क्लास की गाड़ियां हैं। तो गाड़ी है फोक्सवैगन वर्चस और स्कोडा श्लैबिया। यहाँ पे गेम जो है पूरी तरह बदल जाता है दोनों कंपनियों के द्वारा। यहाँ पर भाई सेफ्टी रेटिंग की अगर बात करें
तो दोनों सेडान गाड़ियों में, चाहे एडल्ट सेक्शन हो या चिल्ड्रन सेक्शन, दोनों में यहाँ पे 5-5 स्टार ग्लोबल एनकैप ने इसको दिए हैं। लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दोनों गाड़ियों का जो क्रैश टेस्ट का वीडियो है, इस वीडियो में मैं कटसी देना चाहूँगा ग्लोबल एनकैप को, जिनके फुटेज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ देश की जनता को जागरूक करने के लिए, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी कितनी ज़रूरी होती है आम लोगों के लिए भी और ख़ास लोगों के लिए भी, क्योंकि जान है तो जहान है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक पहुँचाएँ जो मारुति ऑनर्स हैं या फिर अल्टो या वैगनार परचेज करने वाले हैं, परचेज कर चुके हैं, चला रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और आप सभी को भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और सेफ्टी को लेकर हमेशा जागरूक भी रहना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके भी बता सकते हैं। कोई सुझाव या सवाल आपका हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में आपसे।